शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से। अब समझी, मतलब ये करना चाहती थी ना तू? हाँ, तो हम क्या करते? आपके कारण सब कुछ हुआ है, आपने हमें मजबूर किया, ये सब आपकी गलती है। मेरी गलती है? तूने गुलाल के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल रचा और अब तो इल्जाम मुझ पे लगा रही है। कम से कम आप तो अपनी बात से मत मुकर कीर्ति। हम मुकर रहे? आप ये बात कैसे बोल सकती हैं? मतलब तो इस बात को मानती है ना कि गुलाल के साथ मिलकर जानबूझ के तूने दिव्यानी आंटी को गिराया और कितनी सफाई से ये सब कुछ किया तूने कि सारा इल्जाम मम्मी जी के सर पे आ जाए, है ना? बिना सोचे समझे आप हम पे और हमारे पति जी पे इल्जाम लगाने लगती। हम दोनों पे इल्जाम लगाने से पहले ये तो पता कर लीजिए कि हम यहाँ थे भी या नहीं। हम लोग तो अभी वापस आए, तो अतीत में जाकर आपकी दिव्यानी आंटी सास नंबर दो को कैसे गिरा सकता है? अपने चोरों से भरे घर में पहले झांक कर देख लीजिए, फिर मोहल्ले में निकलिएगा शोर मचाने। आपकी ये सास नंबर एक सास नंबर दो की लड़ाई में ना हम दोनों को मत घसीटिए प्लीज। अगर ये गुलाल ने नहीं किया तो फिर ये किसने किया? आखिर वो कौन है जो दिव्यानी आंटी को इस तरह से गिरा दे? ये कर कौन सकता है? कल तो झूठ बोल के टाल दिया इन्होंने, पर आज इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगी इनसे कि इतने रात को ये एक बार फिर कहां जा रही हैं। इतनी जल्दी में क्यों है? फिर से कहां जा रही हैं आप? यही तो पूछ रही हूँ, इतनी रात को आप जाती कहाँ हैं? मैं मुझे मुझे ना नींद में चलने की बीमारी है बेटा,
पता नहीं चलता मैं कहाँ, और वो ना गौरी को तंग कर रहा था, गौरी को मारने वाला था, और मैं उसे बचाने के लिए ना मैं तुम ठीक हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये गौरी कौन है? उसके जैसी नहीं देखी, बहुत नेक बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। जब मेरा कोई नहीं था ना, गौरी मेरी थी, बहुत सेवा की उसने मेरी। वो अब गौरी। आंटी अभी आप घर चलिए, सब लोग घर पे बहुत परेशान हो रहे होंगे। चले आंटी। मुंह फुलाकर कहीं चली गई। अरे मम्मी को लेकर मुझसे नाराज थी तो बात कर ली थी ना, तो शायद नाराज ना हो। भाई श्रद्धा गई कहां? क्या होता रहा इस पैसन से, पैसन की लगा दूं ढेरी, बारिश कर दूं पैसे की, जो तू हो जा मेरी। क्या बात है, है? ये हमारे सलोने साड़ू जी के चेहरे पे बाउंड्री बातल काय मंडरा रहे हैं आज, हा? क्या हुआ? ठीक, अभी नहीं, अभी पहले से ही मेरा दिमाग गर्म है। श्रद्धा मिल नहीं रही है इसमें, चुप हो जा। तो साली जी के चक्कर में हमारे साड़ू जी की हवाइयां उड़ी हुई है। क्या हुआ, कहां गई साली जी? घर पर नहीं है ना? वैसे हम भी बाहर से ही आ रहे हैं अभी, तनिक सोचो तो। ई गुलाल, तू साली जी कहीं दूर अकेला में, क्या हुआ होगा? बोला था तुझे अभी नहीं, अभी चुप हो जा। साड़ू जी बड़े प्यारे लगे आप हमका, पर ये बात बात पे हाथ काहे छोड़ते हैं? हाँ, अरे हम तो मजाक किया हो रहे, मजाक कर रहे थे, क्या हुआ, क्या ये जरा लाल हो जाता है आपका बार बार। हाँ यार श्रद्धा, और तू मजाक काफी अच्छा कर लेता है, तू जबरदस्त मजा आ गया। थैंक यू थैंक यू। सुन श्रद्धा का ना पता चल गया मुझे, उसे ढूंढने में मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। करेगा क्या? अरे साड़ू जी, साली जी के लिए तो हमारी जान हाजिर है, तो चले चलो। तू आ हीरो, अब निकालता हूं मैं जलवेदार जमाई का सारा जलवा, तू भी क्या याद रखेगा। याद है ना ठीक से साली जी कहां आई रही? हाँ हाँ सब याद है, ये हमको ठीक सा नहीं लग रहा है। तुम चलो, तुम श्रद्धा अंदर ही है। आप एक कोनो कमरा होगा, हिया काहे आई साली जी? बचपन का खेल याद है, छुपन छुपाई? हाँ बहुत खेले हैं, कोई पकड़ नहीं पा रहा था हमें, बस वही खेलने आई है। चलो चलो। अबे साड़ू खेल हुआ रे, अरे बहुत मजे का खेल है, बहुत मजा आएगा तेरे को। मजा तो मैं दूंगा साड़ू, तुझे हाथ भारी। अब तू इस छुपन छुपाई के खेल में ना अपना जलवा दिखा। और मैं चला अपनी बीवी सुंदरी श्रद्धा के पास।
मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। श्रद्धा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना डर गया था। अभय, मैं वो कोई बात नहीं बेटा, इसमें ऐसे कहने की क्या बात है, बस थोड़ी देर बाहर गई थी, परेशान थी ना, दिल बहल गया। ऐसे नाराज मत हो, ये झूठ क्यों बोल रही है? श्रद्धा, अगर तुम किसी बात से परेशान थी तो मुझसे आगे बात करती ना, मैंने तुम्हें इतना ढूंढा, मेरी जान निकल गई थी। अबे बेटा, बहुत गलत बात है, मैंने देखा है तुम बहू को हर बात पे डांटते रहते हो, इसीलिए वो बेचारी तुम्हें कुछ नहीं बता पाती। ये एक के बाद एक इतना झूठ कैसे? पति जी, हमारे पति जी कहाँ है? हमने अपने घर में पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिल रहे, कहाँ है वो? चमाई राजा और मैं छुपन छुपाई खेल रहे थे, तो छुपने गए। छुपाई? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ है हमारे पति जी? क्या किया उनके साथ? तुम जीत गए। ये क्या हरकत की है तुमने? अब इनको कौन समझाए? हमारे शानदार साडू जी का मजाक क्यों जमाएगी? पति जी, आप चलिए यहां से, चलिए। था ये सब? अरे दिमाग खा गया था मेरा, तो क्या उसके नहले पे दहला चिपका दिया मैंने अपना। आपके छोटे बच्चे हैं अभय, ऐसा मजाक कर रहे हैं, किसी को कमरे में बंद कर दिया। क्यों जी, मजाक तो सिर्फ बच्चों का होता है, हम बड़े भी कर सकते हैं मजाक, पर ये वाला मजाक ना हमारे जवाई राजा को ना खास तौर पे याद रहे। अभय, वो बड़ा ही नहीं, एक नंबर का बदतमीज भी है। अब देखिएगा, ये जो कुछ भी आपने किया ना, इसका बदला लेने के लिए कल क्या हंगामा करता है वो। हंगामा तो असली ना हम कराते, उस कवार को ना स्टोर रूम में बंद करके चाबी खो देते, फिर आता असली वेरी मच मजा। हाँ। अरे अभय ने बिल्कुल सही किया, उसे स्टोर रूम में बंद करके, पता नहीं क्यों रात के पहले निकाल दिया उसे, अरे वहीं रहता ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। हाँ। हुई हमका हमका प्यार 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 हुआ। अरे ये बिल्ली की पूंछ पकड़ के कौन उसे रुला रहा है? नहीं बुआ जी, कोई गाना गा रहा है। कोई गा रहा है? मैं क्यों गा रहा है? वो भी बिना सुर और ताल के, सुर ताल लखनऊ पहुंच गए क्या? बड़ी बरसात में पर हुआ अल्लाह मियां। बड़ी बरसात में पर हुआ अल्लाह मियां। क्या बेहूदगी है ये? बड़ी बरसात में पर हुआ अल्लाह मियां। अरे ओ तान सिंह के बर्बाद जमाई, दिमाग तो तुम्हारा बंद था ही, अब कान में भी मैल जमा लियो क्या? अरे भाई लगो बुआ जी, तू कह रहे नहाने में इतना मगन हो गए? बेशरम ना तुम पहले से थे, लेकिन यहाँ तक पहुँच जाओगे ये नहीं सोचा था हमने। अरे पहुँच से याद आया कि कह रहे कि हमारा हाथ जो है वो पीठवा तक पहुँच नहीं रहा है। तो दड्डा जी, तू शाली जी एक काम करिएगा, ये जो साबुन है ना हमारे पिटवा पे घसी दो। क्या
आजा। अच्छा चलो पीठवा पे नहीं तो ये हमारे चमचमाते चेहरे पे गिर जाओ, आई जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तुम पगला उगला गई हो क्या, ये क्या कर रही हो तुम? ये दीदू को क्या हुआ, ये कैसे मान गई? मम्मी जी वो क्या है ना, जब से हमारी ये जलवेदार जीजा जी घर आए हैं ना, अपना जलवा दिखाए जा रहे हैं। हमसे तो कह भी रहे थे कि जीजा और साली में इतना मजाक तो चलता है ना जीजा जी? एकदम सही कहा। अब हम आपके इतने पास आ गए हैं ना, तो हमें ना थोड़ी सी शर्म आ रही है। आप अपना आग बंद कीजिए, चलिए। साली जी का हुकुम की अखियां बंद। की पूछ मर कर रहे, किसका लगा डाला? अरे श्रद्धा साली जी, श्रद्धा तुमने एक मिनट में इस दया को सीधा भैंस की पूंछ में पहुंचा दिया। आराम तो सारी जिंदगी करती रहूंगी, अभी फटाफट हाथ चला के ना ये सब कुछ तैयार कर लूं। ये मौत के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई थी? इसकी फुर्ती देखकर तो हमें नहीं लगता कैसे कोई जानलेवा बीमारी हो। एक तो उस जमाई के और इस सताई के, इन दोनों के जलवे देखकर ना हमें सच में चक्कर आ रहे हैं, हमसे ये नहीं देखा जाता। अरे आप लोग इतनी जल्दी जल्दी आ गए कि हम तो पीछे ही छूट गए थे। तुम हमारे रसोई में तनु, जब तुम लोग बाहर गए थे ना तो मैंने सोचा ये सब खाना बना दूं, तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाएगी। हमारी मदद करने से बेहतर यही होगा ना कि तुम हमारी मदद ही ना करो। निकलो हमारे रसोई से, हमें अपने बेटे के लिए खीर बनानी है। तुम यहाँ बड़ा मदद करने का नाटक करोगी और उल्टा हम पे झूठा इल्जाम लगा दोगी। हमने कहा ना निकलो हमारी रसोई से। भाभी भाभी शांत हो जाइए, पहले से अभय इतना नाराज है, मुंह फुलाकर बैठा है। और आप ऋतु, आप हमारी मदद करना चाहती हैं ना, तो एक काम करिए, अभी के अभी इस औरत को हमारी रसोई से बाहर निकालिए और हमें ये यहाँ दिखनी भी नहीं चाहिए। निकालिए। शुक्र है कि ये बला यहाँ से दफा हुई। खीर तो आ गई, लेकिन भैया कहाँ रह गए? अरे उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, वो कह रहे थे थोड़ा आराम करेंगे वो, मगर अभय नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है वो? भाभी अभय आ जाएगा, श्रद्धा गई है बुलाने के लिए। बुलाती रहो तुम, जब तक तुम्हारा मन करे बुलाओ, पर मैंने एक बार कह दिया मैं खाने पे नहीं आऊंगा तो बस नहीं आऊंगा, बात खत्म। छोटे बच्चे हैं आप, जो ऐसे पैर पटकते रहेंगे, जिद करते रहेंगे, क्यों नहीं आना है आपको? अभय मेरी बात ना सही, कम से कम मम्मी जी के प्यार के बारे में तो सोचिए। इतनी देर तक गर्मी में खड़े होके उन्होंने आपके लिए खीर बनाई है, अब आप ऐसे नहीं जाएंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा इस बात का? मुझे बुरा नहीं लगता, वो सब देख के जो मम्मी आजकल कर रही है। अभय आप बात क्यों नहीं समझ रहे, इसमें मम्मी जी की कोई गलती नहीं है। एक छोटी सी बेकार सी बात का ना आपने इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया है।
वैसे तो आपने भी उन्हें बहुत कुछ सुनाया। वो चाहती तो आपकी बात से नाराज होकर बैठ जाती, मगर नहीं ना, उन्होंने अपने बेटे के लिए खीर बनाई है। चलिए मेरे साथ। नहीं जाना है ना आपको? ठीक है, मुझे भी भूख नहीं है। एक काम करते हैं, दोनों मुंह लटका के ना यही कमरे में बैठ जाते। हम बस यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन ना हम कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। हाँ, अरे अरे भाभी, आपकी भूख हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक अभय वापस नहीं आ जाता तब तक ना हम खाएंगे ना कुछ हम पिएंगे। मम्मी जी, आप खाएंगी, अभय भी खाएंगे, और हम सब साथ में मिलके खाएंगे। मम्मी, अब तो अभय भैया भी आ गए, अब तो खाना दे दो ना, मुझे भूख से चक्कर आ रहे हैं। हाँ हाँ, आओ बेटा। माँ कहाँ है? वो खाना नहीं खा रही? नहीं भाभी। वाह 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 वाह, खाना बना रहा पर हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ओए होए 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 होए, खाना तो एकदम जबर लग रहा है। देखो लार टपक रही है हमारे मुंह से लार। पान फूंक लेते हैं फिर खाते हैं। अंधे हो गए हो क्या? आंखें भी बेच खाई है क्या तुमने अपनी? ऐ श्रद्धा, तुम यहां क्या कर रहे हो? वही जो कॉलेज में किया करते थे। क्या भला की खूबसूरत लगती थी। तुमसे कह रही हो पीछे हटो यहां से। और कितना पाछे हटे हैं श्रद्धा, कसम से आज भी टकाटक लगती हूँ। पर तुम्हारा ये हाल बेहाल देखकर ना हमसे रहा नहीं जाता है। घबरा रही हूँ, माथे पे पसीना कहाँ आ रहा है तुमको? लाओ पोस्टर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।